सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था टाटा का OSP प्लेटफॉर्म के बारे में, आज दोस्तों हम जानेंगे बिल्ड योर ऑन व्हीकल। मतलब दोस्तों, आप घर बैठे अपनी गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो टाटा की वेबसाइट पे जाके। मान लीजिए जैसे ये टाटा का टिप्पर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें आप कौन सा सस्पेंशन लेना चाह रहे हैं, कौन सा आप इंजन लेना चाह रहे हैं, आप क्या नाम है टाटा से ये इसका पीछे वाला बॉक्स आप खरीदना चाह रहे हैं, बॉडी खरीदनी चाह रहे हैं या नहीं खरीदनी चाह रहे हैं, या आप बाहर से इसको बनवाना चाह रहे हैं, मतलब हर चीज़ आप इसमें अलग अलग प्राइस के हिसाब से, आप अलग अलग चीज़ के हिसाब से आप अलग अलग उसका प्राइस जोड़ के आप सिलेक्ट कर सकते हो। और घर बैठे आप अपनी टाटा कमर्शियल व्हीकल, कोई भी व्हीकल टाटा कमर्शियल का बुक कर सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ मात्र 10,000 की डाउन पेमेंट से। और आप चाहे तो पूरा पैसा भी आप पे कर सकते हो, पर कोई भी बंदा कमर्शियल व्हीकल का कोई भी पैसा कोई पूरा पे नहीं करता है, हर कोई बंदा फाइनेंस ही करवाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं आज के डिजिटल इंडिया में। तो मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ वेबसाइट पे कैसे कैसे आपको क्या क्या चूज़ करना है और कैसे कैसे आप व्हीकल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों एक बार मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको मैं समझाता हूँ बहुत ही सही तरीके से और सारा विधिपूर्वक। आइए दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने जाना था टाटा मोटर्स के OSP प्लेटफॉर्म के बारे में, आज दोस्तों आप जानेंगे बिल्ड योर ऑन व्हीकल। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं टाटा कमर्शियल व्हीकल कॉन्फ़िगरेटर, जैसे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हैवी ट्रक्स पे। तो हैवी ट्रक्स पे दोस्तों जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो गेट स्टार्टेड पे ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा आएगा फ्यूल का ऑप्शन, तो हम यहाँ पे डीजल सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो अपना ज़्यादा अर्थवर्क का काम है, तो हम यहाँ पे अर्थवर्क चूज़ करेंगे और अर्थवर्क में दोस्तों हम यहाँ पे टिप्पर ये चूज़ कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही हमारा कितना लोड रहने वाला है तो हम 28 टन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर दो ऑप्शन आते हैं, अर्थवर्क और इरीगेशन। तो यहाँ पे हम अर्थवर्क ही चूज़ करेंगे, ये नहीं चूज़ करेंगे, इरीगेशन नहीं चूज़ करेंगे, अर्थवर्क चूज़ करके नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे प्राइमा का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने हाई स्पेक ओके किया था, नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 16 क्यूबिक मीटर का बॉडी ऑप्शन चूज़ कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद में हमारे यहाँ पे टाटा प्राइमा के देखो दोनों ऑप्शन यहाँ आ चुके हैं, फुल्ली बिल्ड और चेसिस बिल्ड। और यहाँ पे इसकी प्राइस भी आपको शो कर रही होगी, एक की 59 लाख और एक की 56 लाख के समथिंग है। और यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों गाड़ियों का इंजन और गेयरबॉक्स और रेयर एक्सल और सस्पेंशन भी आपको दिखा रहा है कैसा किस टाइप में आएगा, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करेंगे। ये आप दोस्तों अपनी गाड़ी बना रहे हो, जो जो आपको अपनी गाड़ी में चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे माइलेज, सेफ्टी, कंफर्ट, कनेक्टिविटी, वारंटी, ये आपको सब यहाँ पे शो करेगा। ये सब चीज़ यहाँ पे ओके करके आप चेक कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्राइस आपकी गाड़ी का दिखा रहा है, जैसे कि आपकी गाड़ी का प्राइस पहुँचा है 56,83,000 समथिंग, और आपका जो बुकिंग अमाउंट रहेगा वो 10,000 के समथिंग रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी गाड़ी बना सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ टाटा का बिल्ड योर ऑन व्हीकल का प्लेटफॉर्म, आपको कैसा लगा? आई होप मैं आपको सही तरीके से समझा पाया होगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, या अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो और बना सकता हूँ इसी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों देख लो यार, टाटा का कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा यार अच्छा लगता है यार सब चीज़ें, कि आप घर बैठे हर चीज़ के बारे में प्राइस वगैरह हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, EMI वगैरह। तो मुझे तो यार बहुत जान के खुशी हुई। आपको ये टाटा का इनिशिएटिव कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं गाइस कल नए ब्लॉग में, कल नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।